दोस्तों वेलकम बैक टू दी नॉर्थ ईस्ट एंड टॉकीज एपिसोड 6। अब हाँ मैं ये बात जानता हूँ कि मेरा ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा लेट है, लिटरली 2 हफ्ते लेट, बट मैं क्या बताऊँ यार, मैं पिछले कुछ दिनों से एक बहुत ही ज्यादा बड़े और खतरनाक काम में बिजी था। क्यों? क्या हुई? अब मैं बता दूँ भाई लोग कि मैं पिछले कुछ दिनों से सोने में व्यस्त था। ओह यस। अरे नहीं नहीं, चमकने वाला सोना नहीं, क्योंकि उसकी तो हमारी औकात ही नहीं, बल्कि हम तो व्यस्त है टांग उठा के स्लीपिंग वाले सोने में। अग दिया। पर कोई बात नहीं, नाती पाजी आए हैं, भले ही देर सही सही पर काम पूरा करेंगे, बोले तो मजे पूरे देंगे। तो करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं बिना आयरन मैन की चुटकी बजाए। तो पहली न्यूज तुम्हारी भाभी मेरी जान गैल गैडोट के वंडर वुमन की है, जहां मिस गैल हार्ट ऑफ पर्ल के प्रमोशनल इंटरव्यू में वंडर वुमन के बारे में कुछ बातें करती है, जहां उन्होंने बताया कि पीटर ज़ेफ्रॉन, जेम्स कैमरॉन सॉरी जेम्स गन और वो खुद वंडर वुमन के पार्ट 3 में काम कर रहे हैं। हाँ भाई लोग, इसका मतलब साफ साफ है कि गैल गैडोट डीसी से कहीं नहीं जा रही है, बल्कि उनका फ्यूचर एज वंडर वुमन डीसी में बिल्कुल चमकदार है। और जो हेटर लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि वंडर वुमन तो डीसी से गई, तो मैं उनके लिए ये बोलना चाहूंगा कि सालो झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारो। और अगर मेरे क्रश लोगों की बात हो ही रही है, तो मार्गो रॉबी ने भी एक इंटरव्यू में मेरे बारे में कहा कि आई लव यू नाती। मार्गो रॉबी को लेके कुछ दिनों से ये रूमर फैल रहे थे कि वो फैंटास्टिक फोर की मूवी में सुजन स्ट्रॉम का कैरेक्टर प्ले करेगी। ओह गॉड, एक बार दिला दे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं इन दिनों बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, इसीलिए बाय बाय मार्वल। गजब बेइज्जती है। बट अगर मार्गो ने ठुकराया है, तो तुम्हारी दूसरी भाभी यानी कि सुजन स्ट्रॉम के रोल को वेनेसा ने अपनाया है। और हाँ, ये बात भी 100% कंफर्म नहीं है, बट अगर ऐसा हो गया तो अच्छा है, जो भी है। Nice. और उन्हीं के साथ ह्यूमन टॉर्च के रोल के लिए जोसेफ क्विल को कंफर्म किया गया है। देन उसके बाद लोकी सीजन 2 का ट्रेलर देखने को मिला, और क्या मिला है भाई, दिल खुश हो गया। और ये ट्रेलर देख के लगता है कि अब शायद मार्वल की पटरी फिर से गाड़ी में आ सकती है। अच्छा ठीक है समरिया। क्योंकि लोकी के ट्रेलर ने सोशल मीडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के अदर शोज के बाकी के सभी के सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले, जिसकी मार्वल को सख्त जरूरत थी। और भाई तोड़े भी क्यों ना, क्योंकि लोकी का पहला ग्लिम्स है ही इतना अमेजिंग। अब बस होप करते हैं कि मार्वल ना हक दे। इतना चुभने लगा हूँ सबको, बुरा तो नहीं हूँ। वैसे मार्वल के हगने हगाने से याद आया कि एमसीयू के नेक्स्ट अवेंजर्स के मूवीज के नाम है एप्पल पाई 1 और एप्पल पाई 2। ये क्या है? अरे ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के ही वर्किंग टाइटल है। एप्पल पाई, व्हाट द फक यार मार्वल, सॉरी। फिर आगे डेडपूल 3 से अपडेट है हर बार की तरह, जैसा कि हमें पता ही है कि इस मूवी में बेन अफ्लेक का ओजी डेयरडेविल दिखने वाला है और जेनिफर गार्नर की ओजी इलेक्ट्रा दिखने वाली है। और अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि ओजी एक्समैन की भी डेडपूल 3 में एंट्री हो चुकी है। सालों मार्वल की पिक्चर बना रहे हो या फिर सभी ओल्ड कैरेक्टर के फ्यूनरल का प्लान? भाई लोग पिक्चर का स्केल देख के तो लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग रायन रेनॉल्ड्स वाले डेडपूल को एमसीयू में एंट्री करने से पहले ही मार डाले। नहीं। और तो और सोचो यार कि ये मूवी कितनी ज्यादा क्रेजी हो सकती है, डेडपूल 3 में इतने सारे सुपर हीरोज, इतने सारे सुपर विलन और इतने सारे ओल्ड कैरेक्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग अवेंजर एंडगेम को टक्कर देने के चक्कर में हैं। अब स्पाइडर मैन से एक न्यूज है, वो भी टोबी मैग्वायर वाले स्पाइडी से, कि शायद उनके स्पाइडर मैन के पार्ट 4 में काम चल रहा है। अब हाँ ये बस एक रूमर है, बट सुन के अच्छा लगा। इतनी खुशी मुझे। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि अर्ली 20s के बच्चों के लिए टोबी भैया जान है हमारी। देन एंड्रयू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन से भी न्यूज है कि सोनी पिक्चर्स के अपने खुद के स्पाइडर वर्स में कोई और नहीं, बल्कि अपने एंड्रयू गारफील्ड का ही स्पाइडरमैन होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स यार उनके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं, और इससे अच्छा ऑप्शन हो भी नहीं सकता। अब सोनी वालों यार इतना सब कुछ कर ही रहे हो, तो एक अमेजिंग स्पाइडरमैन का पार्ट 3 भी निकाल ही दो जाला लगा के। देन बारबी की बात करें तो वो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे अलग लेवल के ही झंडे गाड़ रही है, जहां आई डोंट थिंक कि किसी ने ये बात सोची होगी कि बारबी $1 बिलियन कमा लेगी। पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे भी भाई लोग जलवा है मेरी मार्गो रॉबी का, जिस भी मूवी में मिनी स्कर्ट पहन लेती है उसमें आग लगा देती है, और पिक्चर तो पैसे कमाएगी ही ना बिड़ू, जलवा है हमारा। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट ब्लू बीटल से अपडेट है कि नए डीसीयू के कर्ता धर्ता जेम्स गन ने एक इंटरव्यू में कहा कि
अगर ब्लू बीटल मूवी सक्सेसफुल हुई तब जाके जेम्स गन सोचेंगे, थोड़ा बहुत सोचेंगे कि वो हमारी डीसीयू में आ सकती है या फिर नहीं। पर लगता नहीं कि ब्लू बीटल कुछ खास कमाल कर पाएगी, क्योंकि इसका टीजर थोड़ा बहुत एक्साइटिंग तो था बट ट्रेलर देखने के बाद सभी एक्साइटमेंट में पानी फिर गया। साला जब भी ऐसा लगता है कि अब डीसीयू लाइन में आ रहा है तब कुछ न कुछ कारण की वजह से उसके एल लग जाते हैं। और जेम्स गन भैया को ऐसे गंदे पानी से पैर धो के फेंकना उसे अच्छी तरीके से आता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पता नहीं यार ये डीसी फैंस के आंसू कब रुकेंगे। So, okay guys, वीडियो खत्म, पैसा हजम। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए देखते रहिए नाती गेम। जो बोले तो धन्यवाद दोस्तों। नाती।